जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो समझते हैं बिहार के बारे में। अभी बिहार का जो पुराना नाम था वो क्या था? मगध था। बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध। और मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर थी। उसके बाद क्या हुई? वैशाली हुई, और उसके बाद पाटलिपुत्रा। कौन सी हुई? पाटलिपुत्रा। और अभी बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो जब बिहार मगध था तो उस टाइम राजधानी क्या थी? राजगीर थी। उसके बाद वैशाली हुई, उसके बाद पाटलिपुत्रा। जो बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति, वो कहाँ हुई? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वो पाटलिपुत्रा में हुई। चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। तो पहली कहाँ पर? राजगीर। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। अब देखिए, ये इसके जो बीच में है, बिहार के बीचों बीच में यहाँ पर है पटना। यहाँ पे क्या है? पटना। बिहार के बीचों बीच में क्या है? पटना। पटना 1857 की क्रांति में, पटना से जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, पटना से किसने किया था? पीर अली ने क्या किया था? पटना में जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो पीर अली थे, 1857 क्रांति का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पीर अली ने किया था। पटना से जब आप इधर आइएगा तो यहाँ पर है आरा। आरा यहाँ पर क्या है? आरा। आरा के जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आरा में किसने किया था? जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने। किसका नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? जगदीशपुर ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अब आरा से इधर आइएगा तो यहाँ पर है बक्सर, बिल्कुल यूपी से सटा हुआ है बक्सर। तो बक्सर क्या है? 1764 का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था ना 1764 में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में जब युद्ध हुआ था बक्सर का, तो ये समझ लीजिए उस समय फिर भारत पे अंग्रेजों की नींव रखनी स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले प्लासी के युद्ध 1757 में भी अंग्रेजों की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन वो बंगाल में पड़ी थी, प्रॉपर बंगाल में। लेकिन जब बक्सर का 1764 का युद्ध हुआ तो वहाँ से अंग्रेजों का जो नींव पड़ना स्टार्ट हो गया, तो भारत पे पूरी तरह से भारत पे नींव पड़ना स्टार्ट हो गया था। बक्सर से इधर आइएगा तो यहाँ पर है भभुआ। भभुआ ये कैमूर जो है, क्या है? ग्रीन सिटी ऑफ बिहार। बिहार की ग्रीन सिटी क्या है? कैमूर है। और यहाँ आपका यूपी है और इधर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से एक विंध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है जो बिहार में लगती है। तो ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसको क्या कहते हैं? कैमूर पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इधर का जो एरिया, जैसे सासाराम, बोध गया, राजगीर, ये सारे जो एरिया है एक तरह से किसके भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग है। यहाँ पर आपका है सासाराम। यहाँ क्या है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। सासाराम के नीचे है डालमिया नगर। डालमिया नगर सासाराम के नीचे क्या है? डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सीमेंट उद्योग के लिए। लेकिन अब वो नहीं रहा। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? सीमेंट उद्योग के लिए। इधर आपका पड़ता है डेहरी। यहाँ क्या है? डेहरी। और बिहार के बीचों बीच से, ये आपके यहाँ से निकलती है बीचों बीच से बिल्कुल, गंगा नदी। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। और इधर है आपका सोन नगर। इधर क्या है? सोन नगर। पटना के इधर से आपकी एक निकलती है नदी जिसका नाम है पुनपुन नदी। और इधर से आपका एक नदी जाती है जिसका नाम है सोन नदी।
यहाँ से कौन सी नदी जाती है, सोन नदी, मतलब डेहरी और सोन नगर के बीच में क्या कौन सी नदी है, सोन नदी है। तो अब देखिए यहाँ पर डेहरी और पहले लोग बाग डेहरी से सोन नगर जाने के लिए उसका प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग करते थे, नदी पार करके जाते थे तब सोन नगर पहुँचते थे या सोन नगर से डेहरी आते थे नदी पार करके, किससे, नाव से। फिर यहाँ पे एक पुल बन गया। अब यहाँ के लोगों के अंग्रेजी देखिए, डेहरी ऑन सोन, मतलब जो इसके ऊपर क्या हो गया, सोन नदी के ऊपर क्या बन गया, एक पुल बन गया, तो डेहरी ऑन सोन, तो इस जगह का नाम क्या हो गया, डेहरी ऑन सोन। क्या नाम हो गया, डेहरी ऑन सोन। यहाँ पर आपका है औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर। यहाँ से आपकी कौन सी नदी आ रही थी, पुनपुन नदी। इधर है फल्गु नदी, कौन सी नदी है, फल्गु नदी, फल्गु नदी। यहाँ पर है आपका बोध गया, ऊपर गया और इसके ऊपर राजगीर, क्या है, राजगीर, बोध गया। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में, कहाँ पे, निरंजना नदी के किनारे, कहाँ, बोधि वृक्ष के नीचे। बोध गया में किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध भगवान को, कहाँ पर, निरंजना नदी के किनारे, बोधि वृक्ष के नीचे। गया, गया बिहार का सबसे गर्म जिला, गया, बराबर की पहाड़ियाँ, गया में। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, मतलब OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर है, गया में। आप जब CDS का एग्जाम देते हैं तो उससे ऑफिसर बना जाता है, तो वो ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वो गया में होती है। राजगीर पर्यटन स्थल, राजगीर। पुलिस ट्रेनिंग, जो बिहार पुलिस की ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी जो दरोगा जो बनेंगे या बिहार पुलिस जो अभी इसका एग्ज़ाम हो चुका है, जो पास हुए हैं और जो फिजिकल देने के बाद उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पर होती है, राजगीर में। कहाँ होगी, राजगीर में। ठीक है, यहाँ पर आपका है नालंदा, नालंदा, यहाँ बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। नालंदा जिले के अंदर ही क्या पड़ता है, बिहार शरीफ पड़ता है। अब नालंदा के बारे में समझिए, नालंदा के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी। और उसने क्या जला दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो उसने क्यों जलाया था, इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि इसका जो वर्णन है, एक बार क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ा तो उसने अपने वैद्य को बुलाया और वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के ही एक वैद्य को बुलाया गया कि आप इसका इलाज कीजिए। परंतु बख्तियार खिलजी जो था उस वैद्य से उसका इलाज नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि वो वैद्य हिंदू था, उससे वो इलाज नहीं करवाना चाहता था। तो उस वैद्य ने कहा, ठीक है कि आप भले इलाज मत करवाइए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये किताब, जो मैं आपको एक किताब देता हूँ, इस किताब को आप रोज़ पढ़िए, आप ठीक हो जाइएगा। तो उसने वो किताब दी और वो किताब वो रोज़ पढ़ने लगा, रोज़ पढ़ते पढ़ते वो ठीक हो गया। तो वो ठीक किस वजह से हुआ, वो जो वैद्य था उसने क्या किया था, उस किताब के पन्नों पर जो भी जड़ी बूटियां थी वो किताब के पन्नों पर लगा दी थी। वो जानता था कि मतलब जब भी बख्तियार खिलजी इन किताबों के पन्नों को पलटेगा तो अपना जीभ जरूर लगाएगा। तो जब जब जीभ लगाता था तो वो जो दवाई उसने जो लगाई थी, जड़ी बूटी जो लगाई थी, वो सीधे उसके मुँह पर चली जाती थी, जिसके कारण वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब बख्तियार खिलजी ने सोचा कि जब मैं एक किताब पढ़कर इतना मतलब ठीक हो सकता हूँ, तो विश्वविद्यालय के अंदर इतनी सारी किताबें हैं तो ये लोग मतलब कितनों का इलाज कर सकते हैं और ये भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इस चक्कर में उसने क्या किया, पूरे के पूरे नालंदा विश्वविद्यालय की जो किताबें थी वो सारी की सारी पूरे विश्वविद्यालय ही जला दिया। जब वो किताबें जली थी तो लगभग एक साल तक वो किताबें जलती रह गई थी, इतनी खतरनाक। सोचिए वहाँ कितनी किताबें रही होंगी। अभी भी नालंदा खंडर है वहाँ पे, आप लोग अगर कभी बिहार आते हैं या आप बिहार के वासी हैं तो आप नालंदा विश्वविद्यालय ज़रूर घूमिएगा, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, वहाँ का हॉस्टल बहुत अच्छा है, मतलब उस टाइम पर बहुत अच्छा बनाया गया था। सारी चीज़ें अभी भी उसको हल्का हल्का वो निकाली गई हैं ज़मीन से खोद कर।
तो यहाँ क्या है, नालंदा और ये बिहार शरीफ। यहाँ पर है आपका नवादा, नवादा और ये जमुई, जमुई। नवादा का क्या है, नवादा का जो ककोकत जलप्रपात है वो कहाँ पर है, नवादा में है। वो नवादा का क्या है, ककोकत जलप्रपात कहाँ पर है, नवादा, नवादा में है। सिपुनतला प्राथमिक विद्यालय कहाँ पर है, नवादा में, जो बिहार के टॉप विद्यालयों में से एक है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं। जब झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तो यहाँ पे एक विद्यालय था, नेतरहार था, वो बहुत अच्छा विद्यालय था। अभी क्या है, बिहार अब वो झारखंड से अलग हो गया है तो झारखंड में चला गया है, नेतरहाट था, नेतरहाट। और नवादा में क्या है, सिपुनतला प्राथमिक विद्यालय जो टॉप है। जबकि ये जो एरिया है ये बिल्कुल नक्सलवादी एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो विद्यार्थी हैं बहुत पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं बहुत। अभी भी नवादा के अंदर, मतलब ये देख लीजिए, 7 बजे 8 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं, जबकि ये बहुत तगड़ा नक्सलवाद क्षेत्र है, उसमें भी लड़कियाँ खूब पढ़ती हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया नवादा, ये क्या हो गया जमुई। इधर है आपका मुंगेर, क्या है मुंगेर, मुंगेर। मुंगेर में क्या है, मीर कासिम का किला मुंगेर में, मीर कासिम का किला मुंगेर में। ITC सिगरेट फैक्ट्री कहाँ पर है, मुंगेर में। हथियारों का जो बिल्कुल जहाँ पे हथियारों का कारखाना समझ लीजिए वो कहाँ है, मुंगेर में है। कहाँ पर है, मुंगेर में। मुंगेर से जब आप इधर आइएगा, गंगा नदी के इस पार मुंगेर, और यहाँ पर है आपका खगड़िया, क्या है खगड़िया। मुंगेर के इधर क्या है, खगड़िया। खगड़िया जो है वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। कैसा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र। इधर आपका है बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय। कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पर, बेगूसराय में। इधर है आपका भागलपुर, भागलपुर। यहाँ क्या है, भागलपुर। भागलपुर का क्या मशहूर है, विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। जो भागलपुर में विश्वविद्यालय उसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो भागलपुर में क्या मशहूर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। गांव है जहां पर बिजली बनती है, NTPC, जो कहलगांव NTPC कहां पर है, भागलपुर में है। भागलपुर से जब ऊपर आइएगा, भागलपुर से ऊपर यहाँ पर है कटिहार, क्या है कटिहार, कटिहार जूट उत्पादन, कटिहार में। कटिहार में के पास एक जगह है कुरसेला, वहाँ पर कोसी नदी आके कहाँ मिल जाती है, कटिहार के, कटिहार में मिल जाती है, मतलब गंगा नदी में, कटिहार के पास कोसी नदी आके मिल जाती है, कहाँ कटिहार में, कटिहार के किस जगह पे, कुरसेला में। कटिहार से ऊपर है आपका यहाँ पर पूर्णिया, क्या है पूर्णिया, और पूर्णिया के ऊपर यहाँ पर है किशनगंज, क्या है किशनगंज, किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किशनगंज, सर्वाधिक वर्षा बिहार में, सर्वाधिक वर्षा हुआ भारत में नहीं, भारत में अभी मौसिनी राम है, उससे पहले चेरापूंजी था। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, किशनगंज। कौन सा क्षेत्र है, किशनगंज, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और नेपाल और बंगाल से जो सीमा लगाता है, इन दो, एक नेपाल देश हो गया और बंगाल राज्य हो गया, इन दो जगहों से जो सीमा लगाता है वो क्या है, किशनगंज है, क्या है किशनगंज। किशनगंज में एक चीज़ और मशहूर है जिसका नाम है बन्नी ठन्नी चित्रकला। तो बन्नी ठन्नी चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है, किशनगंज में। किशनगंज से इधर आइएगा तो यहाँ पर है मधेपुरा, मधेपुरा रेल इंजन कारखाना, मधेपुरा रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है, मधेपुरा, मधेपुरा में है। यहाँ पर 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया जाता है। कितने हज़ार हॉर्स पावर का, 12,000 हॉर्स पावर का। किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। यहाँ पर कितने हज़ार हॉर्स पावर का बनाया जाता है, 12,000 हॉर्स पावर का यहाँ पर इंजन बनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है, मधेपुरा में है। यहाँ आपका है मधुबनी, मधुबनी, मधुबनी का क्या मशहूर है, मधुबनी पेंटिंग। यहाँ की क्या मशहूर है, मधुबनी पेंटिंग। यहाँ की जो पेंटिंग है, यहाँ पे अधिकतर देखिएगा आप, मतलब वैसे लोगों को दिखाया जाता है जो गरीब टाइप के, जैसे किसी लेडीज़ को दिखा देगा मटका रखी रहेगी मतलब सर पे और वो पानी भरने जा रही है, इस टाइप की पेंटिंग यहाँ पर बनाई जाती है। तो मधुबनी की पेंटिंग जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका दरभंगा,
दरभंगा, मिथिला की राजधानी दरभंगा, मिथिला की राजधानी क्या है? दरभंगा। और इधर है आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का क्या मशहूर है? लीची। मुजफ्फरपुर में क्या मशहूर है? लीची मशहूर है, यहाँ की लीची बहुत फेमस है मुजफ्फरपुर। और यहाँ हो गया आपका सीतामढ़ी, क्या हो गया? सीतामढ़ी। सीता जी कहाँ की थी? सीतामढ़ी की। सीता जी कहाँ की थी? सीतामढ़ी की। ये हो गया आपका बेतिया, ये गोपालगंज, ये हो गया सिवान, और यहाँ पे हो गया मोतिहारी। मोतिहारी पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है वो क्या है? मोतिहारी है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी, और यहीं पे क्या है? रक्सौल एयरपोर्ट। क्या है? रक्सौल एयरपोर्ट। पश्चिमी चंपारण में क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ये हो गया सिवान। सिवान के जीरादेई गांव में किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। यहाँ पर आपका है समस्तीपुर। यहाँ पे क्या है? समस्तीपुर। समस्तीपुर के पूसा में कृषि विश्वविद्यालय है। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो कहाँ है? समस्तीपुर में है। समस्तीपुर के पूसा में क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? समस्तीपुर में है। यहाँ पे है आपका वैशाली। क्या है? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ये जो गोपालगंज और सिवान है, गोपालगंज सिवान, यहाँ सबसे अधिक विदेश में जाने वाले लोग कहाँ के हैं? गोपालगंज और सिवान के। सबसे अधिक कहाँ के लोग जाते हैं? गोपालगंज के और सिवान के लोग बहुत अधिक जाते हैं। मतलब बारहवीं पास की इन्होंने, इन्हें पहले से ही रहता है कि हम लोग विदेश जाके कमाएंगे, तो ये क्या करते हैं? अपना पासपोर्ट, वीज़ा वीज़ा सब तैयार कर रखते हैं। 18 साल के होते हैं तुरंत भाग जाते हैं वहाँ पर। ये अच्छी बात भी है, जाते हैं तो वहाँ से कमा के ही भेजते हैं, ना यहाँ का ऑक्सीजन लेते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, और भारत में देते ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? अधिकतर विदेशों में रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।